राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 7 अगस्त 2023 को मेहती ऑडिटोरियम तिरुपति आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला है। इस महाधिवेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया जाएगा। ऐसी जानकारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। इस महाधिवेशन का उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मार्क्स वर्गीय आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नारायण स्वामी, आंध्र प्रदेश के मार्क्स वर्ग कल्याण मंत्री चेलू बोइना वेन गोपाल कृष्ण, तेलंगाना मार्क्स वर्गीय कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर, आंध्र प्रदेश महिला व बाल कल्याण मंत्री KV उषाश्री चरण, तेलंगाना क्रीडा व सांस्कृतिक युवा मंत्री V श्रीनिवास गौंड, हाउसिंग मंत्री आंध्र प्रदेश जोगी रमेश, राज्यसभा सदस्य आंध्र प्रदेश बिदामस्तान राव, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना सांसद बंडी संजय, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री व अध्यक्ष महादेवराव जानकर, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर परिणय फुके, विधान परिषद सदस्य महाराष्ट्र अभिजीत वंजारी, विधान परिषद सदस्य महाराष्ट्र सुधाकर राव अडबाले, विधान परिषद सदस्य आंध्र प्रदेश जंगा कृष्ण मूर्ति, पूर्व विधायक महाराष्ट्र अविनाश वारजुरकर उपस्थित रहेंगे। ज्ञान है कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ 2016 से ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कंटिन्यू संघर्ष कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन, धरने, इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यू साल भर करते रहते हैं और हर साल एक राष्ट्रीय अधिवेशन 7 अगस्त को हम लोग देश के विभिन्न कोने में करते हैं। पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई, चौथा हैदराबाद, पांचवा छठवा ओपन ऑनलाइन पिछले साल दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम, और इस साल 8वां अधिवेशन 7 अगस्त 2023 को तिरुपति में होने जा रहा है। ये अधिवेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी जी करने वाले हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हमारे हंसराज जी आए और सारे खासदार और आमदार लोग, मंत्री लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना के उसमें उद्घाटन के सत्र में उपस्थित रहेंगे। उसी तरह से समापन सत्र में भी विभिन्न आमदार, खासदार, मंत्री महोदय उपस्थित रहे। अपने महाराष्ट्र में से खासकर नाना पटोले जी, चंद्रशेखर जी बावनकुले, विजय जी वडेट्टीवार, परिणय जी फुके, सुधाकर अडबले, अभिजीत जी वंजारी, अपना अविनाश जी वारजुरकर, ये सब लोग उस अधिवेशन में अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। और इस अधिवेशन में हम लोग ओबीसी विद्यार्थी, युवा, किसान, किसान मजदूर और सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 42 समस्याओं पे चर्चा करने वाले हैं। और ये 42 समस्याओं पे चर्चा करके वैसे रिजोल्यूशन वहाँ पर हम लोग पास करके केंद्र सरकार से आने वाले साल में साल भर हम लोग उनको फोर्स करेंगे कि हमारे ओबीसी समाज की ये 42 मांगे आप जल्द से जल्द पूरी कर हमारे ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करें। NBCN न्यूज के लिए अजित कुमार के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।